नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं DSD न्यूज। मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। देश का बजट 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। इस बजट को लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की और इसी के कड़ी में आज हमारे साथ बात करने के लिए राजद के कार्यकर्ता, राजद के नेता जो हैं वो साथ में हैं, कमलेश जी। हम इनसे जानते हैं कि इस बजट को लेकर वो क्या समझते हैं और क्या कहना चाहते हैं। ये बजट निराशाजनक है और गरीबों के हित के लिए नहीं है, किसानों के हित के लिए नहीं है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी क्या दूर करेंगे मोदी जी? मोदी जी तो अपना घर बचा ही नहीं पाए। अरे यशोदा बेन का नहीं हुए तो देश का क्या होंगे मोदी जी? और मोदी जी कोरोना पीरियड का छोड़ दीजिए, कोरोना पीरियड में क्या किए नहीं किए, लेकिन किसानों के लिए तो कुछ नहीं किए। और जहां रहा पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि में लगातार बढ़ोतरी हो रहा है, गरीबों का शोषण हो रहा है। और राष्ट्रीय पक्षी हम लोग का मोर, राष्ट्रीय तोता अभी पोता पोती से खेलने की उम्र में वो मोर और तोता से खेल रहे हैं। तो मोदी जी क्या साबित करना चाह रहे हैं? हमको तो नहीं लगता है कि मोदी जी देश के लिए कुछ करेंगे। आने वाला 2024 में विदाई इनका तय है। गरीबों का शोषण किए हैं और हमको नहीं लगता है कि ये देश के हित के लिए कुछ करेंगे। यहाँ तक को देश बर्बाद कर देंगे। आपका लाल किला बेच रहे हैं, अडानी अंबानी का कठपुतली बने हुए हैं मोदी जी। इससे ज़्यादा और क्या बोले हम? जो बजट जो पेश किया गया है, जहाँ जहाँ इलेक्शंस आने वाले हैं, तमिलनाडु की बात करें, बंगाल की बात करें, लद्दाख की बात करें, तो वहाँ वहाँ जो है बजट में विशेष छूट जो है वो दिया गया है, लेकिन झारखंड को अछूता कर दिया गया, झारखंड को दरकिनार कर दिया गया। झारखंड को जब से केंद्र में सरकार बना है तब से अछूता ही है और ठगने का काम किए हैं झारखंड के लोगों को। झारखंड के लोगों आने वाला समय में इनको बताएगा। 2024 में इनको बढ़िया सुफड़ा साफ भी करेंगे। और कहीं भी ये कर रहे हैं कि यहाँ चुनावी है, इतनी जुमलाबाजी सब दिन किए हैं। आप ही बताइए, नोटबंदी में क्या हुआ? गरीब को फायदा हुआ क्या? काला धन आया क्या? आपको कुछ नहीं, परेशानी हुई थी नोट? हमको तो मोदी जी से पूरे परेशानी है। हमको तो सामने मिलेंगे तो बहुत कुछ कहेंगे। क्या, जैसे क्या कहेंगे? अरे कहेंगे सबसे पहले यशोदा बेन के लाइए। अरे धर्म पत्नी है, हम भी किसी का बच्चा है। अरे आप गार्जियन, आपको मानते हैं, कहाँ इधर उधर भटका रहे हैं। पत्नी को पहले घर वापस लाइए। पोता पोती को खिलाने के समय में आप तोता पक्षी से खेल रहे हैं। ये देश के लिए थोड़ी ही है, देश का तो जनता सब देख रहा है। बेटी है? अरे सब है, जो किए यशोदा बेन से भी पूछा जाएगा ना। वो एक तो छोड़ दिए हैं, उसको बढ़िया से लेंगे। अभी क्या 2024 में बताएगी यशोदा बेन भी क्या चीज है? सुनिए सुनिए, जब पत्नी का बद्दुआ लगेगा ना तो मोदी जी को कोढ़ी फूटेगा। मोदी जी को कोढ़ी फूटेगा। पत्नी का बद्दुआ जो है ना, बहुत ही देर लगे लेकिन लगेगा जरूर। देख लीजिएगा आप कि हम सच बोले हैं कि नहीं बोले हैं। अभी दाढ़ी है ना पकड़ा, दाढ़ी गिरेगा धीरे धीरे। इसलिए हम नहीं कुछ बोलेंगे क्योंकि किसी का पति है। मोदी जी अपनी पत्नी को स्वयं रक्षा करें, पत्नी को अपनाएं, यही हम बोलना चाहेंगे। आप मतलब ये तो बजट की बात हो रहे थे, फिर आप मोदी जी की पत्नी पे, उनके पर्सनल लाइफ पे चले गए। बजट के बजट पर्सनली नहीं, क्या कनेक्शन क्या? कनेक्शन क्या है कि आप जब पत्नी का नहीं हुए तो देश का क्या होंगे? गरीब किसान को देखिए, 3 महीना से मर रहा है, त्राहिम त्राहिम कर रहा है। वहाँ कितने लोग स्वर्गवास हो गए, आप देख रहे हैं। घर परिवार छोड़ छाड़ के आए हैं, बैठे हुए हैं, उसके लिए भी ध्यान दीजिए। अरे क्या किसान अन्न पैदा करता है, उसी के अन्न से हम लोग जीते हैं। किसान के प्रति अच्छी भावना रखिए, देश के प्रति अच्छा भावना रखिए। ये अडानी अंबानी का कठपुतली बनने से नहीं चलेगा काम कि हम जैसे चाहेंगे उसे चल कर देंगे। आप क्या किए, बेरोजगारी भगाए क्या? आप बोले कि साल में करोड़ों करोड़ों नौकरी देंगे। आपने तो ठगने का काम किया मोदी जी। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे राजद नेता, राजद के कार्यकर्ता, महासचिव कमलेश जी, जिन्होंने तमाम मुद्दे पे अपनी बात रखी। मैं गौरी रानी, DSD न्यूज़ के।